Hello everyone! Welcome again to my channel. Today I'm here with Part 2 of Into the Wild, that is tracking the Panther of Nagarhole. But before that, let's recap Part 1 in brief. In my last video, we met with Mr. Kiran Purandare and heard from him his thrilling, and adventurous journey in the jungles of Umbarjara. Like how he lost his way, his struggle to get out of the jungle at the time of sunset, his meet with Raju escape, the calls of wild animals to his fortunate escape from the clutches of jungle. Now we will move toward part second of this lesson. But before that, dear viewers, if you are new to my channel, kindly check the link of part first of this lesson in my description box and stay tuned for more interesting and easy learning sessions. And for that, please, please, please subscribe my channel. ना मूविंग टूवर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट में हमने किरण पुरंदरे जी के बारे में बात की उनके बारे में जाना अब यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं येस yes, इनका नाम है शाहजंग शाहजंग का ताल्लुक जंगलों से काफ़ी साल पुराना है शाहजंगचुअली फ्रॉम द लैंड नोन फॉर इट्स फैसिनेटिंग फ्लोरा एंड फाउना शाहजंग एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है सिनेमाटोग्राफर है बिग कैट ट्रैकर है एक लॉज के वो ओनर है द बिजन रिजॉर्ट इसके वो ओनर है और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिकर है ना वॉट इज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन कम्स आफ्टर वट बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ वॉट इज़ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट it actually says a lot about the question of survival from both the sides from human being and wildlife as well in, in the simplest way it is an uh, encounter or interaction between humans and wildlife that results in negative effect or impact for both we encounter मैन एनिमल इनकाउंटर या फिर इंटरेक्शन होता कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बनता कैसे हैं बिकॉज नाई वी पीपल इन्वाइट देम टू एंटर आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन नॉट द वाइल्ड एनिमल्स आर इंटरेस्टेड टू कम आउट ऑफ देयर टेरिटरीज डीज एनकाउंटर्स ये जो प्रॉब्लम है दीज एनकाउंटर्स आर द रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच गिव बर्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज फॉर एस अगेन दिस गिव बर्थ टू द प्रॉब्लम ऑफ डीफॉरस्टर्स डिफॉरेस्टेशन बिकॉज जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उस हिसाब से हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं रहने के लिए जगह चाहिए होती है सो वी ह्यूमन बींग्स वॉट वी डू हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं वृक्षों की कटाई कर देते हैं एंड वैन वी डिस्ट्रॉय द जंगल्स वैन वी डिस्ट्रॉय Uh, the trees etc we destroy their habitats we destroy their shelter we destroy their security we destroy their foods etc and this again gives birth to the major problem that is wildlife entering human habitation in search of food and causing panic among people and resulting destruction only now शास जंग ने बी सी आर टी आई दैट इज़ बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की है और ये जो बी सी आर टी आई है ये क्या करती है ये संस्था ये वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं उन्हें वोकेशनल गाइडेंस देती है वोकेशनल कि ट्रेनिंग देती है कि किस प्रकार से इस कॉन्फ्लिक्ट को इस प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं या इससे जूझ सकते हैं शाहजंग को ढूंढना आसान नहीं होता है वन शाह इज़ अवे फ्रॉम द जंगल्स ऑफ नागर होल यी ऑलवेज एंगेज हिमसेल्फ़ इन अदर एक्टिविटीज़ लाइक कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट कंजर्विंग नेचुरल एलिमेंट्स एग्जीबिटिंग हिज फोटोग्राफ्स एट आर्ट गैलरीज और गाइडिंग द सफारी शाहजंग अगर फोटोग्राफी नहीं कर रहे होते हैं नागर होल में तो क्या करते हैं उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स अक्सर वो दूसरे एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं जैसे उनके जो फोटोग्राफ्स हैं उसे वो डिस्प्ले करते हैं उसे वो एग्जिबिट करते हैं बड़े बड़े आर्ट गैलरीज में या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं या फिर जो सफारीज हैं उन्हें गाइड करने का काम करते हैं वेल दिस वॉज ऑल अबाउट शाहजंग शाहजंग हमें आगे बताते हैं कि उन्होंने फाइनेंस के करियर को छोड़ फोटोग्राफी को अपना करियर अपना पेशा कैसे बना लिया? यानी उनका उनका जो उनका जो पैशन था था जुनून उसे उन्होंने अपने प्रोफेशन में कैसे तब्दील कर लिया? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए शाज़ हमें एक इंसिडेंट बताते हैं एक बार वो नागरहोल के जंगल में थे और वहाँ पर एक प्राइम लोकेशन पर पहुँचने के बाद उन्हें उनका सामना एक लेपर्ड से हुआ यानी उन्होंने लेपर्ड को देख लिया अब ये जो लेपर्ड था इसका डिस्क्रिप्शन शाहजंग कुछ ऐसे देते हैं कि वो काफ़ी थका हुआ था या फिर बूढ़ा था उसके तीन ही कैनाइंस थे एंड हैज़ आइज़ वेयर सैगिंग उसके जो आंखों के नीचे आ, का जो एरिया था इट वाज सैगिंग वो नीचे की ओर झूल रहा था और इसी लेपर्ड के करीब या सामने एक और लेपर्ड था जो काफ़ी यंग था और गुड लुकिंग मेल लेपर्ड था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये जंगल का राजा बनने वाला है यानी यह जो यंग लेपर्ड है इसे देखकर कर शाहजंग को ऐसे लगा कि ये इतना एग्रेसिव है इतना जोश से भरा हुआ है कि हो ना हो अब ये जंगल का राजा बन जाएगा इन दोनों को इन दोनों लेपड़ को देखकर शास कहते हैं कि एक बूढ़ा लेपड़ ये जो है ये पास्ट है यानी ये भूतकाल है और ये जो यंग लेपड़ है वो प्रेजेंट है दोनों एग्रेसिव है और अब एक ऐसा लग रहा था कि दोनों में फाइट होने वाली है यानी पास्ट में और प्रेजेंट में एक फ़ाइट होने वाली है दोनों का आमना सामना होने वाला है दोनों में जंग छिड़ने वाली है बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ शाहजंग उस अपने जो कैमरा के लेंसेज है वो उन पर ताने हुए थे लेकिन फाइट होने ही वाली थी लेकिन उतने में वक्त हो चुला हो च, हो चल रहा था सनसेट का सूर्यास्त होने वाला था और शाज को वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि किस तरीके से किरण पुरंदरे उम्बर जरा के जंगल में फंस चुके थे एट द टाइम ऑफ सनसेट जंग वहाँ से निकल गए और उनमें वो जज्बा कायम था कि मुझे नहीं ये देखना है क्या है इन सारी चीज़ों को मैं अपने कैमरा के लेंसेज में कैद करना चाहता हूँ अपने कैमरा में क़ैद करना चाहता हूँ बट शाहफ्ट दैट पर्टिकुलर लोकेशन बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग शाह अगेन रीच टू दैट स्पॉट बट हुआ क्या पूरी पिक्चर निकल गई बट सिर्फ क्लाइमैक्स बाकी था यानि फाइटिंग तो हो चुकी थी उन दोनों लेपर्ड के बीच में यानी पास्ट और प्रजेंट के बीच में यानि एक बूढ़ा लेपर्ड और एक यंग लेपर्ड के बीच में लेकिन क्लाइमैक्स शाहजंग ने देख लिया और वह क्लाइमैक्स क्या था कि ये जो यंग लेपर्ड है ना ये जो टॉप जो टॉप मोस्ट चट्टान वहाँ पर थी जो टॉप मोस्ट रॉक वहाँ पे रखा हुआ था या पड़ा हुआ था ये यंग लेपड उसके ऊपर जाकर बैठा और उसके बॉडी जो थी वहाँ पर खून लगा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत सारे डीप कट्स थे और उन कट्स में से उन जख़्मों में से बहुत ज़ोरदार खून बह रहा था लेकिन इस यंग लेपर्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या खून बह रहा है कितना उसे चोट लगी हुई है द यंग लेपर्ड हैज़ हैज़ नो कंसर्न अबाउट हिज गैश ही वॉज इन्जॉइंग हिज पोजिशन नाउ ही वॉज लाइक द किंग ऑफ द जंगल ही वॉज इन इज प्राइम इस लेपर्ड की रॉयल बॉडी लैंग्वेज को देखकर कर शाज ने सोचा कि क्यों न मैं फोटोग्राफी को ही अपना करियर बना लूं और ये वही फेज था शाज़ के लाइफ में जहां से उन्होंने फोटोग्राफी के करियर की शानदार शुरुआत की ठीक वैसे ही ठीक उसी तरह जैसे यंग लेपर्ड ने नए रॉयल जिंदगी की शुरुआत कर ली थी शाज जंग बिग कैट्स का नाम अक्सर रखते थे जैसे आफ्टर एडॉप्टिंग द फोटोग्राफी एज ए करियर वो बिग कैट्स को ट्रैक करना ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी ये आदत थी कि जब भी वो किसी लेपर्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं या पैंथर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो उनका नाम रख देते थे ओल्ड लेपर्ड का नाम उन्होंने पार्डस रख दिया था और जो यंग या, लेपर्ड है उसका नाम उन्होंने स्कार फेस रख दिया क्योंकि जैसे हमने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस यंग लेपर्ड और ओल्ड लेपर्ड की फाइट हुई और इस बीच यंग लेपर्ड काफी आ, उसके चेहरे पर जख्म है तो स्कार का मतलब जख्म होते हैं और फेस का मतलब चेहरा इसीलिए उन्होंने इस लेपर्ड का नाम स्कार फेस रख दिया उनके इस आ, आ, फोटोग्राफी प्रोजेक्ट ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कराई शाहजंग ये कहना हमेशा पसंद करते हैं कि इन दोनों लेपर्ड से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है और एक प्रकार से वो उन्हें थैंक्स देते हैं कि इन दोनों लेपर्ड्स की वजह से इनकी फोटोग्राफी की वजह से जो है मुझे दुनिया भर में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल हुई है शाहजंग ने इस बीच कई लेपर्ड्स की डॉक्यूमेंटेशन की फॉर डिपिक्टिंग देयर नेचुरल बिहेवियर लाइक हाउ दे ईट दे रोम दे बिहेव व्हेन दे आर इन ग्रुप और आउट ऑफ द ग्रुप हाउ दे बिहेव व्हेन दे व्हेन दे रिकगनाइज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा एंड ऑल दीज डॉक्यूमेंटेशन मेड हिम गिव अप द कॉरपोरेट सेक्टर एंड टेक फोटोग्राफी एज एस करियर The jungles and the wildlife were now the part of his family. His next project was an another excellent masterpiece. It was on Saya the Black Panther. jo Black Panther um उन्होंने एक देखा वहाँ पर जिसका नाम उन्होंने रख दिया Saya. He documented Saya the Panther very intimately. Intimately का मतलब क्या है बहुत जो छोटी सी छोटी डिटेलिंग होती है अबाउट द नेचुरल बिहेवियर ऑफ पैंथर एंड एवरी थिंग एसोसिएटेड विथ इट उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी फिल्मिंग उसकी फोटोग्राफी बहुत डिटेलिंग में उन्होंने की हियर ही मेड यूज़ ऑफ कैमरा ट्रैप्स यहाँ पर इनके हर एक हरकतों को कैमरा में कैप्चर करने के लिए कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल किया गया अब कैमरा ट्रैप्स क्या होते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो मशीन है या फिर जो कैमरा ट्रैप्स के जो गैजेट्स होते हैं वो किस प्रकार से पेड़ों पर लगाए जाते हैं या न, या कहीं जो बुशेस वगैरह होते वहाँ पर रख दिए जाते हैं ताकि उनका नेचुरल जो बिहेवियर होता है वो स्पष्ट रूप से उस कैमरा में कैद हो जाए इट रिक्वायर्स देखो अभी जो न, आ, कैमरा ट्रैपिंग ट्रैपिंग वगैरह लगाई हुई है यहाँ पर ये बहुत सारी जो इनका काम है वो टुकड़ों टुकड़ों में होता है जैसे फ़ोटोग्राफ्स जो आए हैं जो वीडियोस की क्लिप्स उनके पास है उन्हें एक लैंडस्केप में यानी एक पूरा इन टोटल इन टोटो उन सारी चीज़ों को अरेंज करना ये कोई आसान सी चीज़ नहीं होती है इट रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पेशेंस फॉर फिल्मिंग द वाइल्ड लाइफ Uh, collecting the f uh, photographs arranging them that is uh, uh, to piece uh, to piece these photographs and videos together means to bring them together for a beautiful landscape of the particular project shahs then uh, realized the condition the situation of the animals like pardes who had lost their territories and for that he established as i told you earlier, buffer conflict resolution trust of india, bcrti. this is um, the agency which provide guidance to the local people about the management of the conflict through various awareness programs. apart from this, um, this agency um, motivate the visitors to impart the skills to the villagers to make them financially इंडिपेंडेंट इस प्रकार से ये बी नामक जो संस्था है जो शास जंग ने इस्टेब्लिश की काम करती हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए कंजर्व करने के लिए जो और जो कॉन्फ्लिक्ट है इंसानों और मनुष्यों के बीच में उसे रिजोल्व करने के लिए और जो विज़िटर्स वहाँ पर आते हैं उनमें भी अपना एक स्किल होता है शाहजंग बी सी आर टी आई के माध्यम से विजिटर्स को इनक्रेज करते हैं कि तुम अपना स्किल इन गांव वालों को इम्पार्ट करो उन्हें बताओ ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके इसके बाद माडी गौड़ा नामक एक व्यक्ति है वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर शेयर करते हैं माड़े गौड़ा हु इज़ द नेचुरलिस्ट शेयर्स इज एक्सपीरियंस विद अस माड़े गौड़ा कहते हैं कि वे इस जंगल में पैंतीस साल से हैं इस जंगल को वो पैंतीस साल से जानते हैं वो पहले खेती करते थे और बी सी टी आर आई से जुड़ने के बाद उनमें काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आया अब वो एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है और अब वो लोगों को सिखाते भी हैं ही फर्दर स्टेट दैट अर्लियर ही यूज टू हेट वाइल्ड एनिमल्स पहले वो वन्य प्राणियों को नफरत करते थे बट आफ्टर ज्वाइनिंग बी सी आर टी आई एंड वर्किंग विद शास ही सून रियलाइज दैट वैन वी वैल्यू नेचर वाइल्ड लाइफ इट पेज बैक टू अस इन इट्स ओन वे माडे गौड़ा जी कहते हैं कि अगर हम कुदरत की रक्षा करेंगे कुदरत की कदर करेंगे और कुदरत के हर एक एलिमेंट को हर एक घटक को वैल्यू देंगे उनकी कदर करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे तो ये नेचर ये मदर नेचर और उसके हर एक छोटे से छोटे घटक ये हमें पे बैक करते हैं किसी न किसी रूप में ये हमें कुछ न कुछ अच्छा कुछ न कुछ पॉजिटिव देते हैं फर्दर Shas Jung motivates us to be a good listener because he believes that we learn best of the things by listening. When he is on his safaris, he switch off all his gadgets, the engine of his vehicle and tries to communicate with nature. He says that nature has its own way of communication. It always, it always allowed us to discover many things. बट द ओनली थिंग इट डिमांड्स इज़ टू वैल्यू वैल्यू इट वैल्यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर शाहजंग कहते हैं कि डिस्कवरीज़ अगर करनी है कुछ नया सीखना है तो आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा क्योंकि देखने से ज़्यादा वो बिलीव करते हैं सुनने में और वो कहते हैं कि ये जो नेचर है वो हमसे कम्युनिकेट करती है इस नेचर का हर एक घटक हर एक घटक हमसे कम्युनिकेट करता है और उसके लिए हमें पेशेंट रहना बहुत जरूरी है हमें सुनना हमें कॉन्सनट्रेट करना बहुत ज़रूरी है लेकिन ये जो नेचर है आपको कब सिखाएगी जब आप उसकी कदर करोगे जब आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे सो हियर स्टूडेंट वी आर डन विद पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेसन इफ़ यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन दिस लेसन द प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ